वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में हजरत इत्र शाह दाता रहमतुल्लाह पर बीबा बाबा का सालान उर्स मुबारक 3 मार्च से आयोजित हो गया है। यह 10 मार्च तक चलेगा। इस दौरान यहां पर देश के नामचीन कव्वाले आएंगे जो हजरत इत्र शाह दाता रहमतुल्ला पीर बाबा के शान में कव्वाली पेश करेंगे। वही आपको बता दें, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीर बाबा कमेटी के नाम उर्स मुबारक के लिए शुभकामना पत्र भेजी। उर्स मुबारक होने जा रहा है हर साल की तरह, इस साल भी हजरत इत्र शाह बाबा रहमतुल्ला अलैह का उर्स मुबारक। इसमें कल 3 तारीख से पंचम कोसाई के साथ उसका आगाज हो चुका है। अब 5 तारीख को यहाँ पे मिलाद शरीफ होने जा रही है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर वो अपना यहाँ पे तकरीर वगैरह पेश करेंगे। इसी तरीके से 8 तारीख को हमारे हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल गुलाम बारिश और साकिब अली, इनका कलाम पेश होगा। 3 मार्च दिन इतवार से हजरत हईम अशरफ साहब के सैर परस्ती से उर्स का आगाज हो चुका है, जिसमें हमारे प्रोग्राम इस तरह हैं। 5 तारीख को रात 9 बजे मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बरेली शरीफ से हमारे हजरत तौसीफ मियाँ तौसीफ रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, और 6 तारीख को 7 तारीख को चादर शरीफ का जुलूस टेंट ऑफिस से आजाद चौक से शुरू होकर मशीन चौक में प्रारंभ होकर और इतर सदाता रहमतुल्लाह सरकार के दरगाह में चादर पेश करी जाएगी तनवीर खान तन्नू भाई की तरफ से, और 8 और 9 तारीख को हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे।